fall in a deep, and I can't fight it. I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. तो boys, ये है Honda 1982 model. आप इसका फ्यूल टैंक देख सकते हैं और फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स चेक कर सकते हैं. ओल्ड मॉडल्स इस तरह के फ्यूल टैंक आया करते थे. और इसका ये साइड कवर्स देख सकते हैं आप. टोटल बाइक जो है ये जेन्युइन कंडीशन के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत है. तो फ्यूल टैंक जो है, फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स मैंने आप लोगों को दिखाए. तो अब आ जाते हैं जी इसके स्पीडोमीटर की तरफ. स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं, पहले बिल्कुल, अब तो एक ही मीटर के अंदर टैकोमीटर और आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है. जो ओल्ड मॉडल्स थे उसके अंदर अलग अलग आया करते थे. और इसका आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, न्यूट्रल की लाइट ऊपर वाली साइड पे थी और टर्न लाइट भी ऊपर वाली साइड पे थी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैकोमीटर. और इसका हैंडल यू शेप में आया करता था और यहाँ पे हेलमेट के होल्डर लगा होता था. उसके अलावा इसकी जो वायरिंग थी, ग्रिप्स की जो असेंबली की वायरिंग थी, वो इसके हैंडल के अंदर से जाती थी, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ये देख सकते हैं आप, वो वायरिंग निकल रही है और ये हैंडल के अंदर से ही होती थी. और इसके आप क्लच देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का डिज़ाइन इसके जो क्लच लीवर के लास्ट पे आया करता था. उसके अलावा फ्रंट साइड पर आ जाते हैं. फ्रंट साइड पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर राउंड शेप हेलोजन बल्ब मिल जाता है और राउंड शेप इंडिकेटर्स के साथ. और जैसे कि आजकल बाइक्स के अंदर टायर आता है 2.50x18 का टायर, 18 इंचज स्पोक्स रिम्स के साथ. और इसके जो नट बोल्ट्स हैं दोबारा से कैडमियम हुए हैं. और जो ओल्ड बाइक्स के शॉक्स थे उसमें ये चीज़ आती थी. इसके नट बोल्ट्स कैडमियम हुए हैं, इसकी हब पॉलिशेस हुई हैं, ठीक है. और ये देख सकते हैं आप, ये हेलमेट होल्डर और ये इसकी इसका लॉक है. बाकी ये इसका इंजन है, साइड पार्ट आप देख सकते हैं. इंजन की बात कर लें तो आपको यहाँ पे 124 सेंटीमीटर क्यूब की डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है. जस्ट न्यू मॉडल को उन्होंने CDI में कन्वर्ट कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होता होता यूरो 2 टेक्नोलॉजी फिर मुतारफ करवा दी. तो ये ओल्ड मॉडल्स जो थे वो पॉइंट में आते थे और ये आप देख सकते हैं. और यहाँ पे इसकी इग्निशन की लगती है, ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है. और ये इसका कार्बोरेटर. बाकी इसकी सीट देख सकते हैं आप. न्यू मॉडल्स और ओल्ड मॉडल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी जो सीट है छोटी है साइज में. और अब आ जाते हैं इसके एग्जॉस्ट की तरफ. ये इसका एग्जॉस्ट है और एग्जॉस्ट तो चेंज लग रहा है, KYH एटलस होंडा. बाकी बाइक बहुत खूबसूरत है. और रियर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ. रियर पे आपको यहाँ पे स्टेनले की लाइट लिखा हुआ, स्टेनले HM11RC जापान. और ये इसके इंडिकेटर्स. बाकी बहुत खूबसूरत लगा बाइक. बाकी आप इसके साइड मैग्नेट कवर देख सकते हैं और क्लच बॉक्स साइड कवर देख सकते हैं. तो आप इसके ये चेक कर सकते हैं
बोर्ड चेक कर सकते हैं, ये वाला चेक कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो वो कह लें कि काफ़ी नायाब चीज़ थी। आजकल जो बाइक्स आते हैं उनके जो बोल्ट्स हैं उसके ऊपर ये निशान नहीं आता। तो ये टोटली जापान असेंबल्ड बाइक था, और जो इसका इग्निशन सिस्टम है वो नीचे वाली साइड पे आया करता है। तो आज का रिव्यू यहाँ पे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।